हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे। इसके लिए सबसे पहले आप आलू उबलने रख दीजिए। मैंने ये 5 से 6 आलू उबाल लेकर तैयार कर लिए हैं, अभी छीला नहीं है इनको, अभी बाद में छीलूंगी। सबसे पहले हम आलू उबलने रख देते हैं। उसके बाद ये मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। इसमें 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐसे इस तरह से 1 कलछी ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डाल लिया है हमने इसमें, अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के इसको भूख लेते हैं। हम इस तरह से अपनी मैदा लगा लेंगे। हमारी मैदा लग के बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। हमने इसके बाद हमारे जो आलू थे वो हमने छील लिए हैं। मैंने अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से ज़्यादा आलू लिए हैं, आप अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से आलू ले सकते हैं। ये आलू मैंने छील के मोटा मोटा इनको फोड़ लिया है इस तरह से। अब हम अपनी कढ़ाई गैस पे रखेंगे। हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। अब इसको गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे और वीडियोस देख सकें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें थोड़ी सी ये काली मिर्च डाल देंगे। 10 से 15 के करीब हमने काली मिर्च ली है, ये डाल देंगे। ये हमने लौंग ली है 4 से 5, ये डाल देंगे। हम इसमें आलू डाल देंगे अपने। इसमें हम 1 चम्मच के करीब जो धनिया होता है वो डालेंगे, साबुत धनिया के बीज डाले हैं हमने इसमें। आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधी चम्मच दालचीनी पाउडर, आधी चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम इसको चला देंगे।
वैसे हम अपने अंदर अपने समोसे के अंदर जो हमारी भरने वाली आलू की पिट्ठी है वो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इसमें दो हरी मिर्च काट के डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे हम, एक टुकड़ा अदरक का। हमारी पिट्टी बिल्कुल बन के तैयार है। हम अपनी गैस बंद कर देंगे। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि ये ठंडी हो जाए और समोसे में भरने के काम आ जाए। अब हम अपनी कढ़ाई गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें हम तेल डालेंगे। ये हमने सरसों का तेल डाला है। अब सही है ना? ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने जो हमने मैदा लगाई थी उसकी हम ऐसे इतने बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हमने पेड़े बना लिए। अब एक पेड़ा लेके इसको इस तरह से बेल लेंगे। से हमने बेल लिए। अब हम इस चाकू से दो भाग कर लेंगे। तरह से एक भाग उठाते हैं, इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं। इस तरह से हम इसको दबा देंगे। ये जो हमारा जॉइंट है ये बीच में आना चाहिए। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें अपनी जो फीलिंग है वो डालेंगे। एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें अपनी फीलिंग डालेंगे। आलू डाल दिए हमने इसमें। इस तरह से इसके हम चारों किनारों पर पानी लगा लेंगे जिससे कि ये फटे नहीं। हम इसको इस तरह से दबा देंगे। हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसको थोड़ा बंद कर देते हैं गैस को। बहुत गर्म हो गया। ये देखिए इस तरह से हम समोसे की शेप ले आएंगे। दो समोसे हमने पहले बना के रखे हुए थे, इसकी भी हम ऐसे मोड़ लेंगे। इसमें अपनी फीलिंग डालेंगे। पानी लगाएंगे चारों तरफ। इस तरह से
पैक कर देंगे। समोसा हमारा बिल्कुल बढ़िया तरह से बनके तैयार है। हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे, देखिए इस तरह से देखिए चारों समोसे डाल दिए हैं। गैस ऑन कर मीडियम फ्लेम पर ही हमको उन्हें सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, नहीं तो हमारे समोसे जल जाएंगे और अंदर से नहीं सिक पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए इस तरह से हमारे समोसे सिक रहे हैं। एक तरफ से हमारे समोसे सिक चुके हैं, अब हम इनको पलट देते हैं। फ्रेंड्स, समोसे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे बिल्कुल बनके तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और कमेंट करके हमें बताएं, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।